हम तो निश्चर हैं, हमारा साइंटिस्ट है, हमारा फिलोसोफर है, नहीं अभी तुमको मरना पड़ेगा और तुम्हारा जो कुछ है यहां सब खत्म, तुम्हारा विद्या बुद्धि मकान और बैंक बैलेंस सचा ये स्त्री पुत्र सब ये सब खत्म हो गया। अब तुम जाकर के और एक शरीर धारण करो, फिर दूसरी चर्चा शुरू करो, फिर मकान बनाओ, फिर शादी विवाह करो, फिर पुत्र उत्पादन करो। वो मनुष्य का शरीर भी हो सकता है और 84 लाख जोड़ी है वो तो हम लोग विचार करते तुमको शरीर दे, मनुष्य का शरीर भी हो सकता है और 84 लाख जोड़ी है वो तो हम लोग विचार करते तुमको शरीर दे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं तो सही वही तो आप प्रगति को ये सब करके तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है। तात्कालिक ऐसा काम करो जो जन्म जन्मांतर में मिला, ऐसा काम करो तो बोलेगा हम ये सब काम छोड़ देंगे, हमारा काम कैसे चलेगा, पेट कैसे चलेगा। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कल लभते दुख बदन सुखम काले न सर्वत्र गभीर रंगता। जैसा दुख कोई नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते हैं कि हमारा सिर का ऊपर दुख आ जाए, तो दुख तो आता ही है ये सबको मालूम है। किसी प्रकार जितना तुमको सुख मिलना है वो भी आ जाए, उसके लिए तुम कोशिश करो और न करो, तुमको जितना सुख दुख मिलना है उतना ही मिलेगा, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। इसलिए तुम भगवत भक्ति लाभ करने के लिए चेष्टा करो, जो जीवन को सफल करो, इसका नाम है तत्व विज्ञान, जीवस्व तत्व विज्ञान। जीवस्व तत्व जिज्ञासा नाथ जस्सी है कर्म की, और नहीं तो ऐसे खाली परिश्रम जो करते हैं, और इसलिए परिश्रम जो कर्मी परिश्रम करते हैं उसको कहते हैं गधा, बूढ़ा बूढ़ा कहते हैं। जैसे गधा का वो क्यों उपमा दिया है, क्योंकि गधा जो परिश्रम करते हैं दिन भर धोबी का पास, खूब कपड़ा लगता है और चल नहीं सकता, बस घाट में जाता है, फिर घाट में उसको छोड़ दिया, थोड़ा सा घास दे दिया, बस वो घास खाता है, बुलाई खड़ा है और शाम को फिर कपड़ा लाद के ले जाए। तो इतना मूर्ख है जो देखो जी हमको थोड़ा सा घास ही देता है, ये घास तो कहीं भी मैं जाएगा तो मिल सकता है, ये धोबी का गधा भाई क्यों हो, ये उनकी बुद्धि नहीं है। इसी प्रकार कर्मी लोग जो है खूब परिश्रम करते हैं, रॉकी फिलर है ये है सब दिन भर, और हम देखा है ये अमेरिका में तो बहुत कर्मी है, बहुत ऑफिस चला रहे हैं और खा रहे हैं क्या, दो टोस्ट एक कॉफी। तो इनको ये बुद्धि नहीं होती है कि हम तो इतना ही खा रहे हैं और इनके लिए क्यों इतना हम परिश्रम करते हैं। इसलिए कर्मी को गढ़ा का नमान दुष्की से न मूढ़ा प्रवर्तनते नाराज, भगवान के चरण में है यही सब लोग प्रवृत्ति नहीं करते। कौन, एक तो जो महापापी है, दुष्कृति बुद्धि खूब है, कृति कृति बता है, कृति का अर्थ होता है बुद्धि खूब प्रखर है, बाकी सब दुष्कार्य में लगा है, उसका नाम दुष्कृति। केवल दुनिया को हानि करने के लिए एटम बम बनाने के लिए ब्रेन खूब अच्छी तरह से लगाता है, इसका नाम दुष्कृति। और मूढ़ा वो जो दिन भर परिश्रम करते हैं दो रोटी के लिए, खाएंगे तो दो रोटी और तीन हाथ जगह में सोए, चाहते हैं सब दुनिया हमारा पास हो जाए, जितना खाने का चीज है जितना रहने का चीज है सब हमारा पास हो जाए, इसका नाम है मूढ़ा। और नराधमा ये मनुष्य जीवन में मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए, जीवन से तत्व जिज्ञासा, ये मनुष्य जीवन में है तात्विक, क्या चीज है दुनिया में उसको समझ ले, उसको छोड़ देता है और इसको पकड़, इसके लिए नाराधमा। और यदि कहा है कि ये लोग तो बड़ा विद्वान होते हैं, माया पूरी तक ज्ञान, उसको ज्ञान का कोई कीमत ही है नहीं, ये माया उसको जो ज्ञान है सब छीन लिया, असल चीज को समझते हैं, असल जीवन का उद्देश्य क्या चीज है उसको समझते नहीं, तत्व जिज्ञासा क्या चीज है उसको मानते ही नहीं। तो इसलिए माया पूरी तक ज्ञान क्यों ऐसी बात हुई है, आसुरी भाव मासुदा एथिस्ट नास्तिक है, नास्तिक वो कहते हैं भगवान भगवान तुम नहीं है, इसलिए इसका नाम है आसुरी था। हिरण्यकश्यप रावण
रावण भी बहुत विद्वान था, ब्राह्मण भी थे, तो अपना नगर को सोना से बना लिया था, सब कुछ था। बाकी उसका एक दोस्त था कि वो कहते क्या राम है, हम उसको मानते हैं, ले उसका औरत को पकड़ के भगवान को नहीं मान, इसलिए उसको कहते हैं राक्षस। हिरण्य कशिप भी वैसी बहुत बलवान, देवता लोग डर जाते हैं, इतना बलवान इतना पावरफुल सब होते। प्रहलाद जी को जो भगवान बल देने को मांगा कि बेटा तू बल, तो प्रहलाद जी भगवान से यही बताया, महाराज आप क्यों हमको इसमें फंसा रहे हैं, हम तो एक ऐसे पिताजी से हमारा जन्म है जो केवल दुनिया को चाहते हैं, तो शरीर हमारा ऐसी है और आपका ऐसे वरदान देने के लिए कहते हैं, तो हम तो इसमें फंस जाए, क्योंकि हम तो बल लेने का है क्या और इस बल में है क्या, हमारा पिताजी ऐसी बलवान थे कि बड़े बड़े देवता लोग कांपता था इनका बल से, इनको तो आप एक सेकंड में सब खत्म कर दिए, ये सब चीज हमको लेकर के क्या लाभ है, आप ऐसी हमको बल दीजिए जो आपको जो दास है उनका चरण सेवा हम जन्म जन्मान कर, यह असल इसका नाम तत्व जिज्ञासा तो है। तो हम लोग को जो प्रचार जो विषय है कठिन है, पर असल चीज है जो भाग्यवान होगा उसको समझ में आएगा, वो लेगा और अपना जीवन तो समझ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाषादि घोर भक्तविंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सज्जन बिंदा माताओं, हिंदी में बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश कीजिए करें। ये आपका मंदिर में, हनुमान व्यायाम मंदिर में जब मैं आ रहा था, हमको बहुत आनंद हुआ कि हनुमान जी का नाम है। हनुमान जी बजरंग जी हम लोग का गुरु है, वैष्णव संप्रदाय। यद्यपि हनुमान जी मनुष्य समाज के भी नहीं थे, तथापि क्योंकि भगवान रामचंद्र का एकाग्र सेवक, इसलिए वैष्णव परंपरा से हनुमान जी भी गुरु मानी जाती है। तो हनुमान जी प्रसिद्ध क्यों हुआ? हनुमान जी प्रसिद्ध इसलिए हुआ जो उनका पास शरीर का बल था, वो शरीर बल से भगवान रामचंद्र के सेवा की। तो भगवत सेवा कृष्ण कांसा स्नेह ये एक तरह से नहीं है, हर तरह से भगवान भी आते हैं। जब भगवान रामचंद्र भी किया था और भगवान कृष्ण भी किया था, और जो भगवान का अवतार निशिंग बढ़ावा आदि और दो काम, परित्राणा साधना बिना साय से दुष्कृत, साथ साथ में चलता। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दुष्ट को दमन करता है और शिष्ट को पालन करता है, इसी प्रकार भगवान का भी यही नियम है, दुष्ट का दमन करना और शिष्ट का पालन करना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताः, इसी प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी का जरूरत है,
अर्जुन का भी जरूरत है। कुछ दिन पहले एक सज्जन हम लोग को थोड़ा अट्रैक्ट किया कि ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है केवल बैठ बैठ के कीर्तन करना और आदमी को बेकार बना दे, वैष्णव होने से सब आदमी सब बेकार हो जाए। तो मैं उसको यही जवाब दिया था कि आप वैष्णव देखा नहीं। भारतवर्ष में जो दो लड़ाई हुई है, राम रावण और कुरुक्षेत्र, ये दोनों लड़ाई में जो वीर है हनुमान जी और अर्जुन, ये सब बेकार बैठने वाला नहीं है। अगर रावण है उसको दमन करने के लिए सब बल उसका उपहार प्रयोग किया गया। तो वैष्णव भगवान के हुकुम से जैसे भगवान चाहते हैं बैठ बैठ के हरे कृष्ण मंत्र भी जप सकते हैं और जरूरत होने से रावण का ऐसे जो दुर्दांत राक्षस है उसका साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। ये वैष्णव का विचार सर्वव्यापक, खाली एक मुखी नहीं, हर तरह से। तो ये जो आपको व्यायामशाला है इसमें शरीर का बल किस तरह से प्रयोग होता है जैसा आप लोग सिखाते हैं, साथ साथ ये भी सिखाइए जो बल किस तरह से प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा, तभी सार्थक होगा। ये हमारा शास्त्र का नियम है, भागवत में बताते हैं। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, वर्ण और आश्रम की विभाजन जरूर होना चाहिए मनुष्य समाज में। ये न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका जरूरत है। जैसे शरीर के लिए मस्तक, इसको भी जरूरत है, हाथ का भी जरूरत है, पैर का भी जरूरत है, पेट का भी जरूरत है। खाली पेट ही पेट रह गया, केवल मस्तक ही मस्तक रह गया तो काम नहीं चला। सब चीज का जरूरत है, समाज को ठीक ठीक दुरुस्त रखने के लिए चार चीज का जरूरत है। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं चातुर्वर्णंग मया सृष्टम गुणकर्म विभाग। तो ये जो व्यायामशाला है ये व्यायामशाला क्षत्रिय लोग के लिए, जैसा एक श्रेणी को ब्राह्मण बनाना चाहिए इसी प्रकार और एक श्रेणी को क्षत्रिय भी बनाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है और भगवान की भी इच्छा है। तो आप लोग ये जो छात्र धर्म व्यायामशाला शरीर को पुष्ट करना, जरूरत होने से दुश्मन से लड़ाई करना क्षत्रिय का काम है। युद्धे च पलायनम, क्षत्रिय जो है वो लड़ाई के सामने हो जाते हैं, भाग नहीं जाते, उसका नाम क्षत्रिय। शरीर में बल है, तेज है, ओजस है, तभी तो ये हो सकेगा। ये भी सिखाना चाहिए, ये जरूरत है। परंतु चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र हो, इसमें कोई दोष नहीं है। सबको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, कभी पर बचना। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ, ये भागवत की वचन है। सूत गोस्वामी बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित का सभा है, नैमिषारण्य एक बहुत भारी सभा है, 1000 वर्ष तक चला। तो वो सभा में सूत गोस्वामी ये सिद्धांत दिया कि ये ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, आप लोग सब बड़े बड़े ब्राह्मण इधर बैठे हुए हैं, शास्त्र का जो सिद्धांत है यही है क्या। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, समाज में
मनुष्य समाज में वर्णाश्रम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वह एनिमल सोसाइटी है, वो पशु का समाज है। तो पशु का समाज में कभी आदमी सुखी नहीं हो सके, मनुष्य का समाज होना चाहिए। तो मनुष्य का समाज में ये चार चीज जरूर होना चाहिए, चार नहीं आठ, वर्ण और आश्रम, चार वर्ण चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। बड़ा साइंटिफिक है, इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं फिर ये पशु समाज हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करने से कोई बात में आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए सब शास्त्र में वर्णाश्रम का विचार बहुत जरूरत है। उसमें बहुत उसमें जरूरी है ये सब बताया है कि वर्णाश्रम विभाग इधर भी बता, अतपम भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग विभागस, विभागस का अर्थ होता है विभाजन, चार वर्ण चार आश्रम। और एक जगह विष्णु पुराण में यही वर्णाश्रम का विचार बताया है, भागवत में भी बताया है। तो वर्णाश्रम बहुत ही आवश्यक है, तो वर्णाश्रम विभाजन है, अपना अपना काम करो, ब्राह्मण का काम करो, क्षत्रिय का काम करो, वैश्य का काम करो, शूद्र का काम करो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, ताकि उद्देश्य क्या है। अतः विधि शिष्य वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से, अपना अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कर्तव्य है उसको साधन करो। किस लिए? सानुष्ठित धर्म से संसिद्धि, संसिद्धि परफेक्शन, सिद्धि लाभ करने की, सब चीज का एक संसिद्धि होती है। वो संसिद्धि नहीं होता क्या केवल परिश्रम हो, सिद्धि होनी चाहिए। कोई भी काम कीजिए, बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट होनी चाहिए, प्रॉफिट नहीं केवल गधा कैसे परिश्रम करने से क्या फल हो। तो इसी प्रकार ये जो वर्णाश्रम विभाजन है इसको संसिद्धि क्या है, संसिद्धि है हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम, अतः पंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से सानुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषण। तो व्यायाम कीजिए, नियम से कीजिए, शरीर को बलवान बनाए ये भी जरूरत है, बाकी वो बल जो है प्रयोग कीजिए भगवान की संतुष्टि, और कुछ बात नहीं। हमारा शरीर में बहुत बल है, एक गुंडा बन गया, दूसरे को सताया, परेशान किया, ये बात जो कुछ कीजिए उसको संसिद्धि सिद्धि लाभ करने के लिए चाहिए, हरितोषण भगवान के लिए, हरितोषण भगवान को संतोष करना चाहिए। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है ये ना बहुमुखी है, सब चीज से भगवान की सेवा की जा सकती है। प्राणैरर्थ ही धिया वाचा श्रेया जननन सदा, ये उद्देश्य है। प्राण से होए, धन से होए, बुद्धि से होए, वचन से होए, हर तरह से भगवान की सेवा। तो हम चाहते हैं जो हम लोग भी ये वर्णाश्रम स्कूल खोलने को चाहता हूं, यूरोप में स्कूल होता है, कॉलेज होता है, और ब्रांच डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज। इसी प्रकार ब्राह्मण का भी स्कूल कॉलेज होना चाहिए, किस तरह से ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय का भी होना चाहिए, किस तरह से क्षत्रिय होता है। इसी प्रकार वैश्य का भी होना चाहिए, ये जात जन्म से नहीं होता, क्वालिटी गुण से होता है, गुणों का कर्म विभाग, गुण होना चाहिए और काम ही होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर ही पास कर लिया है और डॉक्टर का काम नहीं किया,
वो पान वाला का काम किया और कुछ काम, तो उसको डॉक्टर थोड़ा ही कोई कहेगा नहीं। डॉक्टर का गुण भी होना चाहिए और डॉक्टर के काम भी होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे क्षत्रिय शरीर को बल साधन करता है वो गुण है, और गुण का बाद क्षत्रिय का काम भी होना चाहिए, तब वो संपूर्ण होता है। और वो काम यदि भगवान की सेवा में लग गया तब वो संसिद्धि संसिद्धि हरितोषा श्री श्री कर्मणि निजुक्त संसिद्धि लभते नर। तो संसिद्धि लाभ करने के लिए वर्णाश्रम विभाग विभाजन का अनुसार जिसको जिस तरह से प्रवृत्ति हो उसमें एक्सपर्ट बन करके बड़ा यानी सब काम करने में दक्ष होने दक्ष होकर करके और वो काम भगवान की सेवा में लगाया जाए तो उसका नाम है संसिद्धि। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ये सिद्धि लाभ करने के लिए है, और जो पशु जीवन है खाओ पियो बच्चा पैदा करो और मर जाओ वो पशु जीवन है, और मनुष्य जीवन जो है वो सिद्धि लाभ करने के लिए। तो क्या सिद्धि है? सिद्धि संसिद्धि लभते नरा तम अभ्यर्च जी न सर्वमिदम तपम। वो जो भगवान है उनको संतोष करके संसिद्धि लाभ करना। तो हमारा यही अनुरोध है आप लोग व्यायामशाला को जैसा शरीर को बल साधन कीजिए, साथ साथ में भगवत कीर्तन भी कीजिए, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो, उसमें आपको भगवान का संपर्क बना रहे और भगवान का संपर्क बना रहने से ही सब काम की सिद्धि होती है। तो मैं चाहता हूं ये लड़कन लोग को जैसे आप लोग शरीर पुष्टि के लिए साधन सिखाते हैं साथ साथ में उसको हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कराइए, मार्च कीजिए तो उसमें भी हरे कृष्ण नाम जपाइए, हरे कृष्ण लेफ्ट राइट वो भी चाहिए। हरे कृष्ण राशो चेत दाफण हो चित्त सब समय वो साफ रहेगा, उसमें ये जो भौतिक गंदे चीज है वो नहीं आएगा, तो सब काम की सिद्धि उसी में होगी। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग शरीर साधन के साथ साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र नाम को जपा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण Translation. Life's desires should never be aimed in gratifying the senses. One should desire to live only because human life enables one to acquire. You'll be able to translate myself. Yes. This should be the goal of all some numbers. Lack of. Huh? Some lack of. Anyone who can tell. I will send them. कामश न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवित जावता जीवस तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस इह कर्म भी। वी हैव बीन डिस्कसिंग मनुष्य जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष साधारण आदमी यही चाहते हैं
धर्म अनुष्ठान करके कुछ अर्थ को प्राप्त करना మనందరం కోరుతున్న ధర్మం ఏమిటి కోరుతున్నది అంటే మనమందరము కూడాను ఆ ధర్మాన్ని అనుష్ఠానంగా మనం అందరం కూడా ఆచరించవలసిందని చెప్పబడుతున్నది సాధారణ कोई मंदिर में जाते हैं जैसे ऐसे बालाजी के मंदिर में कुछ अर्थ कामना के लिए आते हैं मंदिर में वारू भक्तांदरू ఆ మందిరంలో ఉన్నట్టే దేని వెళ్తున్నారంటే కేవలం పరమాత్మ తత్వాన్ని భగవంతుని దర్శనం చేసేందుకు వెళ్తున్నారు అర్థ చాయే క్యూకి జీవన నిర్వాహ కర్నికి లియే సభీకో కుచ్ అర్థ అవశ్య చాయే వెళ్ళినట్టయితే ప్రతి భక్తుడికి వారు వారి కోరికలు నెరవేర్తాయని భగవంతుడి యొక్క కరుణ కలుగుతుందని అందరూ కూడా భక్తాదులు దేవుని దర్శనానికి వెళ్తున్నారు परंतु वो जो अर्थ हमको मिलता है उसके द्वारा अपना केवल इंद्रिय तर्पण करना नहीं है दर्शन चुस्तर यानी आत्मतत्वा वारी साधारण चेरक वभिप्राय तरक इसलिए शास्त्र में बता रहे हैं శ్రీమద్భాగవత్ శ్రీమద్భాగవతంలో ఇదే చెప్తుంది ఏమిటంటే ప్రతి వారికి ప్రతి భక్తాదుడికి కూడా ఆత్మతత్వాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి భగవంతుని దర్శనం చేసిన వల్ల ఆత్మజ్ఞానాన్ని కలుగుతుందని కూడా కలిగిస్తుందని కూడా చెప్పబడుతుంది ఇది కాదే కామస్ న ఇంద్రియ ప్రీతి కామ కాదు ఖూబ్ పైసా హమ్కు మిల్ గయా और खूब भोग में लग गया ये उचित नहीं है काम अंटे केवल इंद्रिय प्रीति का परमात्म तत्वा अंतर्लक्ष्य आत्मज्ञा पी वार प्रति जीवड़ की प्रति भक्ता कामशन इंद्रिय प्रीति लाभ जीवे तो जाव भगवान की कृपा से जो कुछ अपना का अपना सामर्थ्य अनुसार जो कुछ मिले उसी में संतोष रहना प्रति वो वारे उतो वारी तृप्ति अभी प्रति जीवड़के उ प्रति भक्त की तृप्ति अभी कल आयुक्त फलूर्तन वैदिक धर्मानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार विभाजन है మన భారతదేశంలో నాలుగు వర్ణములు ఉన్నాయి ఒకటి బ్రాహ్మణ రెండోది క్షత్రియ మూడోది వైశ్య నాలుగోది శూద్ర ఈ నాలుగు వర్ణములు కూడాను భగవంతుణ్ణి పూజించిందికి అర్హత ఉన్నది బ్రాహ్మణ కామ పఠన్ పాఠన్ జజన్ జాజన్ దాన ప్రతిగ్రహ బ్రాహ్మణుల యొక్క వృత్తి ఏమిటంటే కేవలం భక్తి ఆ తర్వాత పఠన తీయడము ధ్యానించడము జపము చేయడము ఆ తర్వాత వాళ్ళు తెలుసుకుంది నలుగురికి ప్రబోధించడం పఠన పాఠన జజన జాన బ్రాహ్మణ్ పండిత్ బనే ఖూ అచ్చీ తరసే వేదాది శాస్త్ర ధ్యాన్ కర్కే దూసరేకు సమ్ఝా ఇస్కా నామ హై పఠన పాఠన్ దూసరేకు భీ పఢాయ సునా బ్రాహ్మణ్ యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే భగవంతుడి యొక్క మన ప్రాచీనుల తాలూకు సంస్కృతి చదివి దాన్ని తెలుసుకొని దాని అర్థము తెలుసుకొని ప్రతి భక్తాదుడికి ఆ యొక్క ధర్మాన్ని వ్యాపింపజేయడం అన్నది బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణమై ఉన్నది క్షత్రియ జో హై ఉన్కే లియే కర్ అదా కర్కే ట్యాక్స్ అదా కర్కే జీవికా ఉపార్జన ప్రజాకు జో ఉత్పాదన హువా उसमें से प्रतिशत 25 अंश उसको ग्रहण करके क्षत्रिय अपना जीवन अतिवाहित करे इन धर्मा कापाड़े आयुक्त भगवंत धर्मा कापाड़े क्षत्रिय धर्माली कापाड़े आ क्षत्रिय कुलमंत एर्पड़ी इसलिए कहते कामस न इंद्रिय प्रीति ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य
विशेष करके जो रुपया कमा खूब आमदनी हो और उसको खूब भोग में लगा दें ये उचित नहीं है। इपड़ो ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्युने वीर आध्यात्मिक तत्वा भगवत तत्वा व्यापिंपजे आ धर्मा अभी व्यापिंपजे ब्राह्मणे उ వారిని అనుష్ఠానంలో పెట్టి వారిని ధర్మాలని కాపాడేందుకు క్షత్రియులు ఆ తర్వాతను వారికి అనుష్ఠానంలో ఎల్లప్పుడు కూడాను అన్ని విధాల సహాయపడేందుకే వైశ్యులు ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ ధర్మాలన్నీ కూడాను అలాగా అనుకున్న ప్రకారంగా నడవలేదు. ఆజ్కాల్ కలియుగ్ మే విశేష్ కర్కే సభీ లో కేవల్ కిస్ తరసే రూపాయా కో మిలే ఔర్ అప్నా ఇండియా తాత్మన్ మే ఉస్కో లగాయా జాయే ये चल रहा है. ఇప్పుడు ధర్మాలన్నీ ఎలాగ విచ్ఛిన్నమై ఉన్నాయంటే ప్రతి వారికి అర్థ అంటే ధనం ఎందుకు ఇచ్చా ప్రాప్తి అయింది. ప్రతి వారు తప్పు ఏ విధంగా ఆర్జిద్దాము, ఈ శరీరానికి ఏ విధంగా భోగాలు అన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేయిద్దాము అని ప్రతి జీవుడు అందులో ఈ బ్రాహ్మణ